यहाँ ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हमने तो सारे बक्से ठीक से रखे हैं। हाँ हाँ, सब समझते हैं हम। अगर मुझे लैब में काम नहीं होता ना, तो मैं तुम सब के साथ दिवाली धमाका कार्निवल में जरूर आता। कोई बात नहीं, घर जल्दी आ जाना। हम आपको मिस करेंगे डैड। बच्चे उधर मत जाओ। अच्छा तुम्हें ये लेना है? हाँ भैया, ये पटाखा कितने का दिया? ये ना। ठीक है, ये ले। राजू, देखो मैंने कितने सारे पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठा की हैं। मैंने भी। अरे पर चार्ली को क्या हुआ? रुको ना मम्मी, ऐसा मत करो, मुझे मेरे पुराने खिलौने और कपड़े नहीं देने। मम्मी। ओ चार्ली, फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ हम सब भी तो अपनी पुरानी चीजें दे रहे हैं। और फिर तुम पुरानी चीजें देकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पता है दिवाली में साफ सफाई इसीलिए तो होती है, ताकि पुरानी चीजें बाहर जाएं और नई चीजें अपने साथ नई उमंग लेकर आएं। क्या सच में? मैं ये नहीं जानता था। वाह राजू, देखो चार्ली, राजू कितना समझदार है। सीखो कुछ इससे। मैं आगे जाती हूँ, तुम आ जाना। मुझे किसी ने नहीं पहचाना और किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि मेरी चाल क्या है। अब आएगा मजा। चीकी, कराटी वापस आया है और इस बार वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आर्यनगर खतरे में है, हमें उसका पता लगाना होगा। ये नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं 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 नहीं, नहीं। कहाँ है वो काम का पुर्जा? मिल गया। बस ये एक बार वापस रेडियो एक्टिव हो जाए, फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। चीकी, तुम अपनी रेडियो एक्टिव डिटेक्टिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा और तेज करो, उससे हमें पता चलेगा कि और रेडियो एक्टिव हलचल कहाँ कहाँ हो रही है और हम कराटी तक पहुँच पाएंगे। ये देखो राजू, एक रेडियो एक्टिविटी आर्यनगर रिसर्च सेंटर में हो रही है, जो कानूनी इजाजत से हो रही है। और दूसरी आर्यनगर समंदर के किनारे, इसका मतलब कराटी कहीं समंदर की ओर छुपा है। चीकी, कराटी डैड के पुर्जों के पीछे इसीलिए था ताकि वो इस रेडियो एक्टिव हलचल को सफल कर सके। माइटी को ये एक्टिविटी किसी भी हाल में रोकनी होगी। इट्स माइटी टाइम। मजा नहीं आ रहा, लो अभी देता हूँ। दिवाली में तो एक दूसरों को प्यार से तोहफे दिए जाते हैं ना। इस दिवाली में मैं आर्यनगर को दे रहा हूँ एक धमाकेदार तोहफा, जो सबको हिला के रख देगा। कराटी, तुम आर्यनगर को कुछ नहीं करोगे। दिवाली का तोहफा मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ कराटी। माइटी। मैं आर्यनगर में कड़ी सुरक्षा का प्रबंध और आर्यनगर के सब वासियों को चौकन्ना करता हूँ। नहीं खन्ना अंकल, सब त्योहार की वजह से बहुत खुश हैं। अगर उन्हें खतरे का एहसास हुआ तो सब में डर और हड़बड़ी पैदा हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए आर्यनगर को कुछ नहीं होगा। माइटी संभल कर, तुम्हारे पीछे। माइटी।
अब कुछ नहीं हो सकता, रॉकेट लॉन्च हो चुका है। मूर्ख बच्चे, ये तुमने क्या किया? अब रॉकेट यही फट जाएगा। मैं तो चला, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। माइटी, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, मैं कराटे को नहीं पकड़ पाया। माइटी, तुम्हारा सही सलामत वापस आना ही हमारे लिए सबसे बढ़कर है। हाँ माइटी, कराटे एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, पर आज तुमने पूरे आर्यनगर को सबसे बड़े खतरे से बचाया। ये बात सबको पता लगनी चाहिए। नहीं खन्ना अंकल, क्यों ना हम ये बात हम तीनों के बीच ही रखें? कुछ सीक्रेट्स अच्छी होती हैं। वैसे भी दिवाली में हमें सिर्फ खुशियां ही बांटनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमारी सीक्रेट है। मुझे अब चलना चाहिए, मेरा सब इंतजार, मेरा मतलब मुझे कुछ काम है। मुझे ये वाला गुड्डा चाहिए। मम्मी, आओ आओ आओ, मुझे पकड़ो। आखिर मुझे सबसे ज्यादा तोहफे और नई चीजें मिल ही गई। चार्ली, क्या तुम्हारे पास और भी जगह है? जगह और नए तोहफों के लिए? हैप्पी दिवाली दोस्तों। और आपको भी हम सब की तरफ से हैप्पी और सुरक्षित दिवाली। खुशियाँ बांटते रहिए। हर रोबोटिक हैंड, अच्छा अच्छा, चलो। बहुत मुश्किल से किसी को कोई शक हुए बिना मैंने ये अंडा बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। अभी अंदर जाके तुम्हें सिर्फ डिलीवरी करनी, गड़बड़ मत करना, ठीक है? हाँ हाँ बॉस, मैं सब कुछ ठीक ही करूँगा। पोस्टर से अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ, अब देखना मेरे काले हाथ उसके पोस्टर पर क्या कमाल करते हैं। वाह गोपी, तुमने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन इसमें काले रंग की कमी है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। पता था कि आप चेहरे से भी इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। चुप हो जाओ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना बैड एंडी। जूली, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। पेंटिंग कॉम्पिटिशन के सभी कंटेस्टेंट्स,
तुरंत डायस के पास आए। तुम कहीं मत जाना जूली, मैं कंपटीशन खत्म होते ही तुम्हें गिफ्ट दूंगा, ठीक है? ठीक है। माइटी राजू कहाँ है? माइटी राजू यहाँ है। Nice to meet you, माइटी राजू। ये क्या हो गया? ये तो बाबा बॉन। वो मेरे पावर को कंट्रोल कर रहा है। माइटी राजू, माइटी राजू। बंटी के दिमाग का धमाल हो गया। बंकी अब बोलो, तुम आए कहाँ से? बंकी का बॉय, बंकी का बॉय। कितने लालची हो तुम? तुम्हें मूर्ति चाहिए और तुम्हें ये सब भी चाहिए? क्या तुम्हारी टीचर ने ये भी नहीं सिखाया कि लालच बुरी चीज है? वैसे है क्या वहाँ पर? बिल्कुल नहीं, मेरे पास ये रोबोटिक हाथ है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओहो हाँ, वो भी है। जब तक उसके पास पापा का ये आविष्कार है, मैं उसे हरा नहीं सकता। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो राजू, कुछ सोचो। बदमाश बच्चे, ये क्या किया तुमने? मैं आशा करता हूँ कि ये आविष्कार तुम्हारी वजह से खराब ना हो। तो तुम ऐसे नहीं मारोगे, इससे बस थोड़ा सा दर्द होगा, ओके? प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। प्लीज अंकल को ही तय करना पड़ेगा। कमल से खन्ना अंकल, अगर आप यहाँ जल्दी आ जाए तो मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया राजू। चलो अच्छी बात है, रोबोटिक हाथ काम कर रहा है। बच्चों अब वक्त है विनर का नाम बताने का, एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू राजू। कांग्रेट्स राजू, अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो ये हाँ? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। ये तो सुपर गिफ्ट है राजू, पर हमने तो सोचा था कि हम चॉकलेट्स देंगे।
करनी पड़ेगी। इसकी मदद से मैं करूँगा आर्यनगर को हमेशा हमेशा के लिए तबाह। यहाँ से नकली रंग पूरे आर्यनगर में जाता है और अब इसे सोमिनो पूरे आर्यनगर में जाएगा। म्यूजियम की सैर। बच्चों इनसे मिलो, ये म्यूजियम गाइड हैं। आज हम सबको ये म्यूजियम की सैर कराएंगे। डायनासोर टीरेक्स, बाप रे। बच्चों ये सभी गुड़िया हमारे देश के विभिन्न राज्यों की छवि हैं। ये कितना बोरिंग है, यहाँ कुछ मजेदार नहीं है क्या? वाह क्या बात है चार्ली, बहुत बढ़िया।
अब इनको कैसे संभालूं, क्या करूं? ये न घास खाते हैं और न ही केले खाते हैं। हाँ, आइडिया। चार्ली और उसके मामा की कहानियों से छुट्टी। जूली, हाँ? चार्ली को कभी कहते सुना है कि वो उस मामा से कभी मिला भी था? मिला तो नहीं, पर कल जरूर मिलूंगा। उन्होंने यही आर्यनगर के पास एक आलीशान बंगलो लिया है और आज मुझे दावत पर बुलाया है उन्होंने। हम नहीं आ सकते हैं क्या चार्ली? हाँ हाँ ठीक है, शुक्र मानो कि उन्होंने मेरे साथ मेरे सारे क्लासमेट्स को भी न्योता दिया है। तुम भी आ सकती हो जूली, और तुम दोनों भी। अब तुम क्या चीज हो? दिखने में तो ये ड्रोन सा लगता है। ड्रोन? एक नन्ना उड़ता हुआ रोबोट जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, मतलब ये मेरी जासूसी कर रहा था। तुम करो इसकी जांच चिकी, अब कुछ पता चले तो मुझे बता देना। ठीक है। चलो मम्मी। बस पार्क तक, शायद गोपी जूली सब हो वहाँ। मम्मी को नहीं बताना। तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आपको ही हमारे साथ चलना होगा। राजू, मम्मी मुसीबत में है। राजू जल्दी आओ, मम्मी को बचाओ। राजू, ये किताब इतिहास के सबसे बड़े और शक्तिमान राजा महाराजाओं के बारे में है, और इसमें एक ऐसा भी राजा है जिसकी शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को पत्थर में बदल सकता था। सच कहो, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। अरे वाह गोपी, तुम्हें तो हर राजा की हर शक्ति और सब कुछ याद है। तुम्हें तो इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए। ये क्या है? फिर से इतिहास? गोपी, अगर तुम इसी तरह ये इतनी पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। बच्चे,
निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। वनीला, पिस्ता, बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी, सभी के एक एक स्कूप दे दो। मैं कोई फ्लेवर भूला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा फ्लेवर्स तो मेरे पास है ही नहीं। कैसे हो बच्चों? हेलो कमिश्नर खन्ना। तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना चॉकलेट सॉस के साथ। अरे कहीं आइसक्रीम को गिर ना जाए। फिलहाल तो तुम ये आइसक्रीम के पहाड़ को संभालो। ओके गोपी, मुझे अब घर जाना है, कल मिलेंगे। मैं बाजार जा रहा हूँ, मम्मी ने कुछ सब्जियाँ खरीदने को कहा है। बाय राजू। आज तो गोपी जूली के साथ खेलने में भी उतना मजा नहीं आया। घर में तो कोई भी नहीं, लगता है मॉम बाहर गई है। चलो चीकी, क्या हुआ तुम्हें? मगर मम्मी को कोई क्यों उठा ले जाएगा? पता नहीं। संध्या, संध्या किधर हो तुम? मम्मी कहाँ है राजू? डैड, मम्मी किडनैप हो गई है। शे, हमने देर कर दी। मतलब वो सच कह रहे थे? कौन डैडी? क्यों साइंटिस्ट, तसल्ली हो गई? हाँ, पर संध्या को यूं क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उस आविष्कार के लिए जो तुमने बनाया है, वो हमारे हवाले नहीं किया तो? नहीं, कुछ मत करना उसे। मैं फिर से कॉल करूंगा, तब तक सारे इंतजाम कर लेना। मुझे फौरन लैब वापस जाना है। चीकी, राजू का ख्याल रखना। अब जल्द ही वो हथियार इस गौर का होगा, फिर सरकार क्या, कोई भी ताकत मुझसे बराबरी नहीं कर पाएगी। माफ करना अगर घंटी नहीं बजाई, पर मैं जरा जल्दी में हूँ। होशियारी नहीं, धार तेज है। किसी भी धार से माइटी का वार तेज है। शुक्रिया माइटी राजू। और कितनी दूर है चार्ली? है ना आलिशान। अब चलो अंदर चलते हैं। मामा जी, मैं आ गया। आहा, स्वागत है माइटी राजू। चीकी का कॉल। राजू, ये ड्रोन उसी का है जो चार्ली को ये सारे खिलौने दे रहा है। इससे लिए गए वीडियो में मैंने सब कुछ देख लिया। पर कौन कर रहा है ये सब? कराटी। माइटी राजू, इस बार कराटी के चंगुल से तुम बिल्कुल नहीं बच सकते। राजू को देना एक शाओ। टिटो, विंसी कॉलिंग। हार मान लो माइटी राजू, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खेल खत्म, पर खिलाड़ी नहीं, माइटी का महापुरुष।
पंच जो करे तैयार